कम अगानी गाइस, जय श्री कृष्णा। तो दिवाली को व्लॉग में बड़ा वाला बनाने वाली हूँ क्योंकि मैंने सुबह से शूट नहीं किया है और अभी देखो मैं नहा के आ चुकी हूँ। खाना भी मैंने खा लिया है क्योंकि सुबह से हम काम करने में लगे हुए थे। अति ठंड लग रही है ना, कल से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये ऐसी बांदरवाड़े भी लगा दी है मैंने। रंगोली मैंने आपको कल दिखा दी थी, मे भी रंगोली नंबर 1। सो यहाँ हमने बना दी थी सुंदर सुंदर सी रंगोली। रंगोली नंबर 2 के पगले। अभी थोड़ी सी खुद के बालों की हरकत हालत सुधार लेती हूँ और इतनी ठंड लग रही है। ऐसे सोई पड़ी है, पता नहीं क्या होगा। किश्ती हो? किश्ती ओ बाबू। और यहाँ पे किश्ती कांजा भी सो रही थी, पड़ी रहती है 24 घंटे। इसलिए किचन बन रखा है मैं सब और मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि तू आ गई तैयार होके जबरदस्ती रेड रेड बिंदी लगा के। रेड नहीं है वो, पिंक है। पिंक सूट पहन के सब पिंक हो रहे हैं, पिंक चप्पल भी। और ये बल्लू तैयारी कर रहा है तैयार होने की दिवाली पर, जूते होते साफ वाफ। यहाँ पे मनु दीपक की तैयारी कर रही है और यहाँ पे दादी दुकान पे बैठ के गीत सुन रही थी। देख तो एक बार। अरे यार जान दो माता को। हाय हेलो, कुछ तो कर दे। हैप्पी दिवाली। और बलू निकल गया था बंटन के तैयार होके मस्त सा। फिर हमने प्रज्वलित किए दिवाली के दीपक और मनु गई थी छत पे दिवाली के दीपक लगाने के लिए। और यहाँ पे दीपक लगाते लगाते किश्ती भी पीछे पीछे थी। क्यों भाई? क्योंकि उसको छत पे जाना ही होता है। और यहाँ पे जो ये दीपक की वीडियोस बना रही है ना, ये और कोई नहीं है, किट्टू है। इसको पता नहीं फोटोशूट का भूत चढ़ा हुआ था उस दिन। और यहाँ पे हमारी गली मस्त सी सजी हुई थी, मस्त था, लाइट लाइट से। फिर किश्ती को पहनाए वापस कपड़े अच्छे से और उसको किया था रेडी। किश्ती तू रेडी हो रही है ना बेटू? अरे वाह, पिंकी पिंकी ड्रेस पहनेगी मेरा बच्चा। कपड़े उड़ पहन के बन ठन के ठुमक ठुमक के इधर उधर घूम रही थी घर में पूरे में। कभी मम्मी को दिखा रही थी, कभी मनु को। पिंक जैकेट पहना दी। फिर मेरी बेटी में पसा के बैठ गई थी और हम दोनों सेम सेम हो गए थे, पिंकी पोंकी। क्यूटी क्यूटी दो। सो यहाँ पे हम बैठ गए हैं रेडी होके और पूजा की तैयारी भी हमने कर दी है। अब दादी के आने का वेट है और मम्मी रेडी हो जाए फिर हम करेंगे पूजा। और यहाँ पे ये भी रेडी होके बैठ गई है। और फिर वापिस ही कपड़ों को उतर पुतल करके आ गई थी तो वापिस से इसको सेटल करना पड़ा मुझे पहना कर। बैठ जल्दी। और यहाँ पे पापा लेके आ गए थे ऊपर से पकौड़े थे तो हम दोनों बैठ के पकौड़े खा रहे थे और पापा भी हमारे साथ खा रहे थे। फिर करी दिवाली की पूजा अर्चना स्टार्ट। मम्मी का हाथ ही आता रहता। और यहाँ पे क्रिस्टी भी हमारे साथ में बैठी थी, बस बल्लू ही नहीं था। और हमारे यहाँ पे आरती बैठ के करते हैं, आपके यहाँ पे कैसे करते मुझे बताना। और फिर हम गए थे मंदिर में दीपक लगाने के लिए और किट्टू हाइट में चोटी पड़ गई थी और मैं ऊपर चढ़ गई थी। किट्टू लेके आई थी मेरे काजू कतली और मैं खा गई। और पहले कृषि खाने में नाटक कर रही थी, फिर देख ऐसे उठा के खा गई। और अभी हमारा फोटो सेशन चल रहा है। ये दिए स्पेशली हमने सिर्फ फोटोज के लिए मंगवाया था। ऐसे कपड़े कपड़े चेंज हो चुके हैं हमारे, बाल ऐसे से कर रही थी मैं। ये पकौड़े, इसके कपड़े चेंज नहीं हुए और इसके भी हो गए हैं। और वापस से खा रहे थे अपना चमनप्राश। सो गाइस, कंफर्टेबल क्लोथ हमने पहन लिया। अब मैं सोऊंगी, फेस वॉश वगैरह भी कर लिया। मुझे खांसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मतलब सर्दी स्टार्ट होती है और मुझे खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए मैं चमनप्राश खाती हूँ। जिस दिन चमनप्राश नहीं खाती उस दिन बहुत बुरी खांसी होती है। तो यहाँ उसको खाता है लेके, अपने फ्रेश में लेके आ गई। अब इसको खाऊंगी। और रात में 1:30 बजे दादी ने बोला मुझे मेहंदी लगाओ भाई कैसे भी करके, क्योंकि सब एक जने को लगानी है। और हम सोए थे आज नीचे लक्ष्मी जी की पूजा की हुई थी जहाँ पर। और ये बल्लूड़ा आया था रात में 3:30 बजे पता नहीं कहाँ से। और फिर एग्जीबिशन लगा के बैठ गया खुद के पटाखों की, देखो मेरे पटाखे हैं। फिर हमने जलाए पटाखे और इस दिन पुलिस भी आ गई थी।